हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा हेवार्स फार्मूला। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओपन चैन फार्मूले पढ़ लिए, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो था वो कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी शुगर की, सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हेवार्स ने अपना फार्मूला पुटअप किया। इट इज कॉल्ड द हेवार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इन्होंने क्या किया कि जो भी कार्बन थे या ऑक्सीजन के एटम थे रिंग में, उनको पेज के प्लेन में ड्रॉ किया, पेज के प्लेन में ड्रॉ किया, और जो एच और ओएच जैसे ग्रुप्स थे उनको प्लेन के परपेंडिकुलर रखा। एच ओएच या और भी कोई साइड ग्रुप्स था उसको परपेंडिकुलर रखा प्लेन के, पेज के। जितने भी ग्रुप्स फिशर पोजीशन में लेफ्ट साइड पाए जाते थे उन सभी को ऊपर की तरफ रखा गया हेवार्स प्रोजेक्शन में, और जितने भी ग्रुप फिशर पोजीशन में राइट साइड पाए जाते थे उन सभी ग्रुप्स को हेवार्स प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड रखा गया। लेकिन ये नियम जो लास्ट कार्बन था रिंग का उस पर अप्लाई नहीं होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ ये क्लियर होगा जब हम फिशर पोजेक्शन से हेवार्स पोजेक्शन में बनाना सीखेंगे कि फिशर पोजेक्शन से हेवार्स पोजेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। और अभी हम देखेंगे ओपन चेन फॉर्मूला ग्लूकोज, ओपन चेन से कैसे बनता है हमारा फिशर पोजीशन, और फिशर पोजीशन से हम कैसे बनाते हैं हेवार्स पोजीशन। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, ग्लूकोज का ओपन या स्ट्रेट चेन फॉर्मूला। ग्लूकोज, जैसे हमको पता है कि ग्लूकोज एल्डोज शुगर, ग्लूकोज हमारा क्या एल्डोज शुगर है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तीसरे कार्बन पे ओएच की पोजीशन तो चेंज होती है, चौथे कार्बन पे फिर से एज इट इज आ जाता है, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का। हमने बताया था कि अगर ओपन चेन से फिशर पोजीशन में जाना है तो जो प्री लास्ट कार्बन होगा उसका ओएच अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, जिसके कारण से बॉन्ड टूटता है। तो ये ओ माइनस जो होगा इस एच को कैप्चर कर लिया जाएगा, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है इट इज कॉल्ड द फिशर पोजीशन। तो फिशर पोजीशन बना सकते हैं। ये ओ एच ले लेगा तो ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एच बन जाएगा। तो ये था फिशर पोजीशन। फिशर पोजीशन किसका? डी ग्लूकोज का। किसका? डी ग्लूकोज। कैसे पता डी ग्लूकोज है? क्योंकि प्री लास्ट कार्बन पे ओ एच पोजीशन राइट साइड है। अब इस फिशर पोजीशन से हमको जाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर हेवार्स पोजीशन में। सबसे पहले काम करते हैं नंबर काउंट कर लो कार्बन की जो कि रिंग में आ सकता है। तो पांच कार्बन हैं जो कि रिंग में आ सकते हैं, और उस रिंग का पार्ट ऑक्सीजन भी होगा। मतलब ग्लूकोज जो है ये एग्जिस्ट करता है पायरनोज फॉर्म में। पायरनोज रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इट इज कॉल्ड पायरनोज फॉर्म या पायरनोज रिंग या पायरनोज फॉर्म कहेंगे ग्लूकोज का। इट इज अ पायरान रिंग है। हमने ये कहा था कि जब भी हेवार्स पोजीशन ड्रॉ करते हैं तो जो लेफ्ट साइड के ग्रुप्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और राइट साइड के ग्रुप जो होंगे जब हेवार्स पोजीशन ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड को फेस करेंगे। तो कार्बन नंबर वन पे राइट साइड पे ओएच है, इसका मतलब कार्बन नंबर वन पे हेवार्स पोजीशन में ओएच चला जाएगा नीचे और एच चला जाएगा ऊपर। सेकेंड कार्बन पे भी ओएच जो है वो भी राइट साइड में है, इसका मतलब ये ओएच भी नीचे जाएगा और एच ऊपर चला जाएगा। तीसरे कार्बन पे चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे ओएच ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा। चौथे कार्बन पे ओएच ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, सॉरी ये एच ऊपर चला जाएगा और ओएच नीचे आ जाएगा। पांचवा कार्बन पे एच सी एच टू एच, तो पांचवें कार्बन पे जो है कि आपका हेवार्स का जो नियम था वो लागू नहीं होता है। इसका मतलब इस एच को जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमने बताया था कि हेवार्स का जो नियम था वो लागू नहीं होता है लास्ट कार्बन में। तो इट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूको पायरनोज फॉर्म।
Parnell's fault. अल्फा क्या होता है? देखिए, जब हम फिशर पोजीशन से हेवर्ड पोजीशन में जाते हैं तो एक नई एसिमेट्रिक डेवलप हो जाती है, उसको कहते हैं एनोमेरिक एसिमेट्रिक कार्बन। तो जो पहला कार्बन है इट इज द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो होता है, अगर एल्डो सुगर है, एल्डो सुगर के केस में जो पहला कार्बन होगा वो कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन। एल्डो सुगर के केस में जो पहला कार्बन होगा वो कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन। वही कीटो सुगर है तो उस केस में जो दूसरा कार्बन होगा उसको कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन हम देखते हैं किसकी, ओएच की, अगर एनोमेरिक कार्बन पे ओएच डाउनवर्ड को फेस कर रहा है इट इज कॉल्ड द अल्फा आइसोमर या अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर उसी एनोमेरिक कार्बन पे ओएच अपवर्ड साइड को फेस करता है तो उसको हम कहते हैं बीटा फॉर्म, इट इज कॉल्ड बीटा फॉर्म। ये कंडीशन क्या है कि एच और ओएच देखेंगे केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही और किसी कार्बन पे नहीं देखेंगे। तो ये आपका हो गया बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म ये हमने ड्रॉ कर लिया, इट इज द बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा दीज आर द टू आइसोमर्स। तो इस तरीके से हेवर्ड ने अपना फॉर्मूला दिया। तो हेवर्ड पोजीशन से हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्लूकोज अल्फा है, कौन सा ग्लूकोज बीटा है, मतलब एक तरह का आइसोमर भी हमको यहाँ से पता चल पाया, इट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। मतलब जब फिशर पोजीशन जाता है आपका हेवर्ड पोजीशन में तो एक नई एसिमेट्री डेवलप कर जाती है, इट इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन, दिस इज एसिमेट्री, राइट। तो अगर एल्डो सुगर है तो उस केस में जो एनोमेरिक कार्बन सेंटर होगा वो पहला कार्बन होगा, और अगर कीटो सुगर जैसे फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज एग्जांपल ऑफ कीटो सुगर, तो उस केस में एनोमेरिक कार्बन होगा कार्बन संख्या 2, ठीक है। तो ये था हेवर्ड का पोजीशन फार्मूला। और जो एल्डो सुगर जैसे ग्लूकोज वह एग्जिस्ट करता है पायरान रिंग में, उसी तरीके से फ्रुक्टोज होता है या राइबोस सुगर जो होते हैं वे एग्जिस्ट करते हैं फ्यूरोन रिंग में। अगर हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह बनता है, फ्रुक्टोज एग्जिस्ट करता है, फ्रुक्टोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ये है, फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका ये है हुआ, इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये अगर फिशर पोजीशन में जाएगा इस कार्बन 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 पर अटैक करेगा, ये कार्बन कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इसको कैप्चर कर ले जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको अगर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया जाए तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये OH हो गया, ये CH2OH हो गया। तो ये फिशर पोजीशन हुआ किसका, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज नंबरिंग कर लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे देखो 4 कार्बन रिंग में आएंगे और साथ में ऑक्सीजन भी होगा, तो ऐसे रिंग को हम कहते हैं फ्यूरॉन रिंग, दिस इज फ्यूरॉन रिंग। 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर लो यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे दूसरा कार्बन ये होगा, इससे क्या जुड़ा है, अब OH के इधर नीचे जाना चाहिए और ये CH2OH हो गया पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो गई, चौथे कार्बन पे OH की पोजीशन एज इट इज रही, पांचवे कार्बन पे कोई रूल फॉलो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज कैसा है, सुगर, कीटो सुगर, फ्रुक्टोज एक कीटो सुगर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 2 होगा, इट इज एनोमेरिक कार्बन, मतलब एनोमेरिक कार्बन, कार्बन सेंटर, एनोमेरिक कार्बन सेंटर।
अगर इस एनोडिक कार्बन पे OH की पोजीशन नीचे है तो इसको कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज फर्नोज फॉर्म कह सकते हैं। इसका अच्छा नाम क्या होगा? अल्फा डी फ्रक्टो फर्नोज फॉर्म, इट इज कॉल्ड अल्फा डी फ्रक्टो फर्नोज फॉर्म। अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो कुछ इस तरह से लिख लो, अल्फा डी फ्रक्टो फर्नोज फॉर्म। अगर इसी सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन पलट दें तो कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टो फर्नोज फॉर्म। तो इसे आप बना सकते हो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिशर पोजीशन से कैसे जाएंगे हेवॉल्ट पोजीशन में, या ओपेन चेन से कैसे जाएंगे फिशर में, फिशर से कैसे जाएंगे हेवॉल्ट। अगर बीटा डी फ्रक्टो फर्नोज बनाना है हमको तो फिर बीटा डी फ्रक्टो फर्नोज में कुछ नहीं करना है, बस OH की पोजीशन में चेंजिंग लानी है। ये आपका हो गया बीटा डी फ्रक्टो फर्नोज, पहला कार्बन दूसरा कार्बन हो गया, तीसरे में तो चेंजिंग होती है, चौथा कार्बन हुआ, तीन चार पांच छह, इसको कहेंगे बीटा डी फ्रक्टो फर्नोज फॉर्म। तो हम लोगों ने जान लिया क्या होता है हेवॉल्ट पोजीशन, फिशर पोजीशन। दोस्तों अगले लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि जो हेवॉल्ट पोजीशन से स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इनसे हम डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।